आज की क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अपन को आगे चल के पढ़ना क्या है। देखिए ये जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो दोनों चैनल पर अपलोड होगा। एक तो डीसीए पीजीडीसीए वालों के लिए, डीसीए वालों के लिए कंप्यूटर ज्ञान केंद्र वाले चैनल पर भी अपलोड होने वाला है, और दूसरा सीपीसीटी वालों के लिए भी, क्योंकि ये जो फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल आपका एक तो डीसीए का सिलेबस तो है, बट सीपीसीटी वालों के लिए भी थ्योरी जो है, इसी थ्योरी के अंदर से जो एमसीक्यूज आते हैं वो इसी के अंदर से आते हैं। तो अगर उनको कॉन्सेप्ट समझना है तो वो इस वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो अगर आप सीपीसीटी कर रहे हैं तो हमारा एक और चैनल सीपीसीटी वाला है, अगर आप इस वीडियो को कंप्यूटर ज्ञान केंद्र में देख रहे हैं, और उसमें हम सीपीसीटी से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते हैं, लाइव सेशन लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, पहली क्लास, और इसमें अब मैं डायरेक्ट आपको जो भी थ्योरी वाला पूरा पोर्शन है, थ्योरी को डिटेल में अपन वन बाय वन समझते चलेंगे, एक एक क्लास में एक एक सवाल को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को समझते चलेंगे, और उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। और ये एमसीक्यू में भी आपको काम आएगा, और साथ साथ जो थ्योरी वाला जो डीसी का, डीसी वालों के लिए है, उसमें भी ये सभी के काम आएगा। तो डायरेक्ट अपन आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन वन। तो आज के वीडियो का जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर के इतिहास और विकास को समझाइए, कंप्यूटर के इतिहास और विकास को समझाइए। तो यहां पर जो शुरुआत हुई कि भाई हिस्ट्री और डेवलपमेंट, इसके इतिहास कब से है और कितना पुराना है, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी को करेक्ट करना चाहूंगा। यहां पर एक लाइन दी है कि भाई अबेकस, सबसे पहला तो अबेकस था, बिल्कुल सही था, अबेकस है, बट यहां पर जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, कंप्यूटर के इतिहास लगभग यहां पर बोला गया 3000 वर्ष पुराना है, तो मेरे हिसाब से ये 3000 नहीं है, ये 300 वर्ष पुराना है। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है, जब चीन में एक कैलकुलेशन मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ था। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज भी चीन, जापान सहित एशिया के अनेक देशों में अंकों की गणना के लिए काम आती थी। ठीक है, अच्छा ये 3000 है या 300 है, कमेंट करके आप भी बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या है, अबेकस का निर्माण कब हुआ था और कितने वर्ष पुराना ये डिवाइस है। ठीक है, जब चीन में कैलकुलेशन के लिए एक मशीन जिसका नाम अबेकस रखा गया, उसका आविष्कार हुआ था। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है, यहां पर आप इसकी विंडो देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार का अबेकस दिखाई देता था। इन तारों में बीड यानी कि पकी हुई मिट्टी के गोले फिरे हुए होते थे। प्रारंभ में अबेकस को व्यापारी कैलकुलेशन करने के काम में यूज किया करते थे। यह मशीन अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग देने के काम आती है। अगला है ब्लेज पास्कल। शताब्दी के बाद अनेक अन्य यांत्रिक मशीनों अंकों की गणना के लिए विकसित की गई। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र सन 1645 में विकसित किया गया। देखो ये जो है ना, जैसे सीपीसीटी में अगर हम बात करें जो ऑब्जेक्ट बात है वो किस प्रकार के आते, तो यहां पर आप देख पा रहे हो जो छोटे छोटे नाम लिखे, लाइक अगर हम बोले कि पहला मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर किसने बनाया, पहला मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल ने बनाया, कब बना, 1645 में। इसको और क्या कहा जाता है, इसे हम एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल एक्चुअली पुराने प्रश्न पत्रों में देखा गया था, एमसीक्यू में भी, इसीलिए इन सबको पढ़ना आवश्यक है। अब इसके आगे देखते थ्योरी भी है, क्योंकि यह केवल जोड़ या घटाव कर सकते थे, इसलिए इसको हम एडिंग मशीन कहते हैं। यह मशीन घड़ी और ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें कई दांते युक्त चक्रियां यानी कि जैसे हम टूट व्हील्स लगी होती थी जो घूमती रहती थी। चक्रियों के दांतों पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। इसमें एक चक्री के घूमने के बाद दूसरी चक्री घूमती थी। ब्लेज पास्कल की इस एडिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहते हैं। अब यहां पर आप देख पा रहे हो ये जो मशीन दी गई, एक डिवाइस का नमूना यहां पर दिया गया है, और ये कहा गया है कि ये किस सिद्धांत पे काम कर रही, घड़ी के सिद्धांत पे। घड़ी का सिद्धांत थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं कि क्या कहानी है। जैसे घड़ी में आप देखते हो कि भाई 3 कांटे, सेकेंड का कांटा, मिनट का कांटा, आवर का कांटा होता है। सेकेंड का कांटा जब पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है तो मिनट का कांटा 1 मिनट का आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से जब मिनट का कांटा कंप्लीट एक राउंड पूरा करता है तब घंटे का कांटा जो होता है, आवर का कांटा, वो एक बार आगे बढ़ता है, मतलब एक घंटे के लिए आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से ऑडोमीटर होता है, गाड़ियों में आप देखते कुछ इस प्रकार का ऑडोमीटर होता है जिसमें स्टार्टिंग में सारी वैल्यू 0 होती है, फिर जब गाड़ी चलती है तो ये 0 वाली वैल्यू आगे बढ़ती है, 9 तक जाती है, 9 के बाद अगेन 0 होती है, और जैसे ही 9 के बाद 0 होती है तो उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू 0 से 1 हो जाती है। तो एक एक करके ये वैल्यू आगे बढ़ती जाती है। तो ये सिद्धांत है, ये घड़ी का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पे एडिंग मशीन या पास्कलाइन जो है वो काम करती है।
अगला है जैकॉर्ड लूम। सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकॉर्ड ने कपड़े बुनने के लिए ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्ड में नियंत्रित करता था। पंच कार्ड पर चित्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। तो यहां पर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट जो आया था जैकॉर्ड लूम ने, जिनका नाम जोसेफ जैकॉर्ड था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और उन्हीं के आधार पर पंच कार्ड का निर्माण किया गया था। यह सवाल कई बार पूछा गया कि पंच कार्ड के निर्माता कौन है, पंच कार्ड के कॉन्सेप्ट के निर्माता कौन है, जिनका आंसर आएगा जोसेफ जैकॉर्ड। चार्ल्स बाबेज, आपको थ्योरी जो डीसीए कर रहे हैं उनके लिए थ्योरी में आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है, सारे नाम लिखना है और उनके अंदर की डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। चार्ल्स बाबेज का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी को प्रारंभिक समय का स्वर्णिम युग माना जाता है। अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बाबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन, मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिए बनी सारणियों में एरर आती थी। चूंकि यह टेबल हस्त निर्मित थी इसीलिए इसमें एरर आ जाती थी। चार्ल्स बाबेज ने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। उस मशीन का नाम इन्होंने डिफरेंस इंजन रखा। ठीक बात। अब यहां से देखो सीपीसीटी वालों के लिए बता दूं, 1822 में निर्माण हुआ डिफरेंस इंजन का, जिसको किसने बनाया? चार्ल्स बाबेज ने बनाया। इस मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे थे, यह भाप से चलती थी। सन 1833 में चार्ल्स बाबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन था। बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और यही कारण है कि चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर हार्वर्ड आइकिन मार्क वन, यह है अगला पॉइंट। सन 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग शिखर पर पहुंच चुकी थी। आईबीएम के चार शीर्ष इंजीनियर और डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन ने सन 1944 में एक मशीन विकसित किया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था और इसका ऑफिशियल नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 के फरवरी माह में भेजा गया जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। इसी विश्वविद्यालय में इसका नाम मार्क वन पड़ा। यह 6 सेकंड में एक गुणा व 12 सेकंड में एक भाग कर सकता था। तो डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन और आईबीएम के शीर्ष इंजीनियर्स ने मिलकर जिस मशीन का निर्माण किया उसका स्टार्टिंग में जो नाम रखा गया वो था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। बाद में ही इसका नाम बदलकर मार्क वन रखा गया। तो आपको एग्जाम में इसका फुल फॉर्म, जो पूरा नाम है, ऑफिशियल नाम, वो भी पूछा जा सकता है और जो शॉर्ट फॉर्म है यानी कि मार्क वन, उसके नाम से भी इसे आप पूछा जा सकता है। लास्ट है एबीसी। एबीसी यानी एटानासोफ बेरी कंप्यूटर। सन 1945 में एटानासोफ तथा क्लोफोर्ड बेरी, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया जिसका नाम एबीसी रखा गया। एबीसी शब्द एटानासोफ बेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। एबीसी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब यहां पर ये जो वर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ऊपर अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर, तो इन शब्दों को आपको याद रखना है कि कौन सा डिजिटल कंप्यूटर था, कौन सा मैकेनिकल कंप्यूटर था, कब इनका निर्माण हुआ, किसने इनका निर्माण किया, ये चीजें याद रखनी है। ये आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। और थ्योरी की अगर बात करें तो थ्योरी में आपको ये सारे पॉइंट याद रखने और उसके अंदर की थ्योरी कि भाई किस सन में क्या हुआ, मेन मेन पॉइंट आप नोट डाउन करके यानी कि इसके नोट्स आप तैयार कर सकते हैं और मेन मेन पॉइंट नोट तैयार करने के बाद आप इसे आसानी से जो है लिखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इसको लिखना पड़ता है। जो थ्योरी की बात करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा थ्योरी डीसीए में लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन आज की क्लास में अपन ने किया जो कि था हिस्ट्री इतिहास के बारे में। अगले क्लास में हम देखेंगे अगला प्रश्न।